आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जोगीरघोपा का लॉजिस्टिक पार्क फुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जोगीरघोपा का जो है लॉजिस्टिक पार्क का ए टू जेड दिखाने के हम कोशिश करेंगे। मैं और हिबजूर जा रहे हैं, दोनों पार्क के अंदर घुस के देखेंगे कि कितना ज़्यादा काम हुआ है। एंड जो बंदरगाह बन रहे हैं, बंदरगाह में जहाँ पर बड़े बड़े शिप, जिसे आप फोटो देख रहे हो, इस तरह के जो शिप आके कहाँ पे खड़े होंगे, एंड इस तरह के जो कंटेनर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह का कंटेनर आके कहाँ पे कैसे रुकेंगे, हर एक चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर आपको दिखने को मिलेंगे। और अभी इधर जो देख रहे हो ना, इधर से ही मतलब शुरू नहीं करेंगे, ये एंड है। हम मतलब टोटल एकदम घूम के आके जो ये वीडियो बना रहे हैं। क्या हुआ ना कि अगर परमिशन ना मिले वीडियो बनाने का, वीडियो डिलीट करना पड़े, फिर तो और एक पंगा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, इसलिए पहले वीडियो बनाए उसके बाद। तो चलिए हम जो है घर से शुरू करते हैं, किस तरह से यहाँ पर आए एंड कैसे क्या चीज़ है, मतलब कैसे। आपने पार्ट वन के अंदर यहाँ तक देखा था और इस वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट लॉजिस्टिक पार्क का व्यू दिखाया जाएगा और कहाँ कहाँ पर क्या क्या बन रहा है टोटली आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। पहले तो हम आपको बंदरगाह से शुरू करते हैं, जहाँ पर जहाज़ वगैरह आके रुकेंगे, हेलीपैड भी आपको दिखने को मिलेंगे और कंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। और आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरूर कीजिएगा। ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ से ओनली फॉर जो आपका जो कंटेनर वगैरह आएंगे शिप से, वाटर के थ्रू, जो बांग्लादेश से आएंगे, भूटान से आएंगे, या समुंदर दुबई वगैरह कहीं से भी आएंगे, तो ये शिप का रास्ता है कि शिप से जो भी सामान आएगा तो वो इस रोड से होके जो मेन रोड होगा, मैं आपको अभी लेके जाऊंगा ऊपर। चलिए मैं पहले आपको बंदरगाह दिखाता हूँ, मतलब इसको अंदर बंदरगाह ही बोला जाएगा। प्लान बन रहा है ये, मैं आपको पहले बताया, जो शिप से कंटेनर आएंगे, तो कंटेनर जो हमने प्रोजेक्ट में देखा है, कंटेनर जो शिप यहाँ से जो है शिपमेंट से कंटेनर आएंगे। चलिए मैं आपको जो बंदरगाह बनेंगे वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ पहले, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मैं इनसे बात नहीं किया। और ये है जोगीरघोपा ब्रिज, और काम जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पहला जो फेरी घाट था वहाँ पे था, वो छोटा सा है, अभी यहाँ पर बंदरगाह बने। घाट में चलते हैं, मतलब फेरी घाट मतलब बंदरगाह ही बोल सकते हो। और ये है बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वो है हमारा ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो है टोटली बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है, एंड हमारा जो है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट इस नदी के उस तरफ है। और ये जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी जो है हम ये वाला ब्रिज पार कर गया है, जो 3.5 किलोमीटर मैंने आपको बताया। यहाँ पर थोड़ा बहुत शिप है, लेकिन ये जो है पुराना, छोड़ दो अभी इसको। अभी हम आपको, यार बरगद का पेड़ है, बहुत दिन बाद में देख रहा हूँ। इस लोकेशन पे हम हैं, यहाँ पे जो है फेरी घाट बनने वाला है, मतलब बंदरगाह में। बार बार फेरी घाट बोल रहा हूँ क्योंकि अपना जलेश्वर में तो फेरी घाट है। और इसके लिए जो है नदी को खनन करना पड़ेगा, ठीक है। जब नदी खनन करेगा तब भी जो है हमारा जो नदी टूटने का जो चांस, हमारे वहाँ पर जो नदी टूटता है वो ख़त्म होगा। ये बांग्लादेश से कोई भी अगर शिप आएगा, अगर कोलकाता से, मतलब अगर समंदर से कोई भी चीज आना होगा तो इस रोड से आना पड़ेगा। यहाँ पर एक दिक्कत होने वाला है गवर्नमेंट को, कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को जो नया ब्रिज बना रहा है, इसका अल्टरनेटिव बना रहा है, वो जो है उसका हाइट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जो है कंटेनर शिप इस तरफ आ पहुंच पाएगा, ठीक है। एंड इस तरफ से शिप अगर जाएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाके, सीधा ये जो नदी है सीधा चाइना को टच करता है। अगर चाइना से कोई भी चीज़ आना होता है विद शिप, तो यहाँ से सीधा इस तरफ ये नदी जो है चाइना को टच कर जाता है, एंड इस तरफ सीधा बांग्लादेश को जाके गंगा नदी बोल के पद्दा नदी जो है वहाँ पर टच कर जाता है। और यहाँ पर आज के डेट, आज का डेट कितना है, आज है 20 तारीख 2022, हाँ। एंड मैं और हिबजूर यहाँ पर हूँ, शायद हमारा जब उम्र हो जाएगा तब ये जगह ऐसा नहीं रहेगा, तब हम ये अगर ये वीडियो देखेंगे, अपना पोता पोती को हम ये वीडियो दिखा, अगर देखते ये वीडियो वो भी सोचेंगे कि जब ये बन रहा था तब जो है मेरा दादा या मेरा परदादा यहाँ पर आके वीडियो बनाया करता था। एंड एक बात मैं बताता हूँ, ये जब ब्रिज कंप्लीट हुआ था ना, तब मेरे मम्मी एंड पापा मेरे को ये ब्रिज दिखाने लेके आए थे। काश उस टाइम मेरे पापा के पास मोबाइल होता, एक छोटा सा फुटेज रख देता, मैं उस ब्रिज के ऊपर चलता तो मुझे कितना अच्छा होता। तो चलिए आगे जाके जो और भी जो है प्रोजेक्ट का चीज़ आपको दिखाते। और यहाँ पर हमने बोला था कि ये ब्रिज को ऊँचा करना पड़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि पोर्ट जो है दो बनने वाला है, इस तरफ ये जो एक पोर्ट बनने वाला है और ब्रिज के उस तरफ और एक पोर्ट बनने वाला है। तो सीधा हम जो है अभी मेन, ये तो सिर्फ एक रास्ता था, मतलब एक कनेक्टिविटी के लिए था ये, और ये भी काफ़ी अच्छा बनाया है, सिर्फ ये कनेक्टिविटी के लिए था। और अभी हम इस रोड से निकल के जो मेन पेपर मिल रोड है, तो जहाँ पर जो है मेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो मेन रोड जो है उस तरफ मेन जो है वहाँ पर पेपर मेल पे बन रहा है,
तो हम सीधा अभी जो है पेपर मेल पे चलते हैं और रोड देख लीजिए यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से फिर घूमना पड़ेगा थोड़ा, तो सीधा हम यहाँ से जोगिर खोपा उठ के चले जाते हैं। अब जो ये मेन रोड है, मेन रोड से हमें साइड लेना पड़ेगा लॉजिस्टिक पार्क जाने के लिए। अभी भी ये रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर होने के बाद यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो लॉजिस्टिक पार्क का जो ट्रेन लेन है उसका काम लगभग 30% कंप्लीट हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हो सब वो आरजे का मतलब राजस्थान का गाड़ी है, मतलब यहाँ पर काम कर रहे जो कॉन्ट्रेक्टर लोग हैं। ये काफ़ी डेवलप होने वाला है। आज के डेट अगर बात करो 20 तारीख 2022, जुलाई महीना है ना, ये जुलाई महीना के अंदर जितना डेवलपमेंट आप इस एरिया में देख रहे हो अभी, अगले 10 साल इसको तो 2025 में कंप्लीट होना है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेलवे के, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये माल के लिए है। जब से सबसे ज़्यादा माल के लिए, मतलब जितना कंटेनर शिप आएंगे ना सब इधर देखो, कितना सारा लेन बिछा के रखा है। आगे मैं आपको और भी दिखाऊँगा। अगर अंदर जाने का परमिशन के लिए मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो जोगिर खोपा बोल के लिखा है, रोड तो इधर से क्लोज है तो मुझे शायद इस तरफ होके जाना पड़ेगा। देखो लेन काफ़ी बन रहा है, मतलब हम अगर किसी ऑफिसर इंजीनियर से बात कर पाते तो अच्छा होगा, पहले पहुंच तो जाते। काफ़ी सारा लेन बन रहा है। पहले तो ये सब वन लेन रोड था, सिर्फ एक रास्ते के लिए रोड था। मेन यहाँ पर जो है रेलवे का जो डिपार्टमेंट का काम है आने के लिए, शिपमेंट के लिए, उसके बाद ये तो अंदर घुसेंगे ही। तो अभी जो है पूरा एरिया को जो है यहाँ पर पेपर मेल बोला करता था, पहले जो है कागज़ बनाने का फैक्ट्री था यहाँ पर, तो वो तो फिलहाल बंद है। रास्ता अभी तो ये ख़राब है, लेकिन चलिए पहले मैं उधर चलता हूँ। ये प्रोजेक्ट इस तरह से काम किया जा रहा है, यहाँ का जो कुछ आसपास के जो लोग हैं ना उनको भी अच्छी तरह से पता नहीं है असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ लोकल लोगों से पूछा तो वो लोग बोल रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, एक अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पूछूंगा लोकल लोगों से, इस अंकल से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। नमस्ते अंकल जी, आपका घर इधर ही है? कहाँ के? ये चलो दोबारा, यहाँ पर असल में क्या बन रहा है आपको पता है कुछ आइडिया है? आइडिया है कुछ यहाँ पर क्या बन रहा है, मतलब किस लिए? लॉजिस्टिक पार्क के लिए। ये सब चीज़ें तो टूट फूट नहीं होगा लॉजिस्टिक पार्क के लिए, तो ये सब जगह नहीं लिया ना? ना ना, जो जो जगह लिया उधर से रास्ता वो निकला। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो मैंने एक अंकल से यहाँ पर बात किया, उन्होंने बोला कि आगे से जो ये लॉजिस्टिक पार्क का जो जगह लिया है, ये देखो यहाँ से जो है काफ़ी मतलब ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। मतलब डेवलपमेंट तो होगा नॉर्थ ईस्ट का, इसके लिए तो पहले मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ही मतलब काम को शुरुआत किया और डेवलपमेंट के तौर पर ये दिखा रहा है। अभी तो रास्ता ये टूटा फूटा है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये रास्ता तो एकदम पूरा हाई फाई बन जाएगा। जो है ओल्ड पेपर मेल है जहाँ पर कागज़ बनाया जाता था, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं है कि कौन सा रास्ता से अंदर जाएगा। अभी मुझे यहाँ का जो लोकल लोग है, क्योंकि मेरे घर से तकरीबन यहाँ पर जो है 100 किलोमीटर के आसपास होगा। मैं इस पेपर मेल का भी वीडियो बनाना का कोशिश किया था, लेकिन डर लगता है यार अंदर, क्योंकि बहुत दिन से ये पड़ा हुआ है इसी तरह से, तो इस वजह से मैं अंदर जा भी नहीं सकता। देखता हूँ आगे जाके मैं क्या अंदर घुस सकता हूँ वीडियो बनाने के लिए। हमारा मृदुलदा ने एक वीडियो बनाया था इधर, मैं मृदुलदा के घर पे एक बार जा भी चुका था जब दिम्पुदा आया हुआ था। दिम्पुदा को इधर एक बार आना चाहिए, एंड विकासदा को भी एक बार इधर आना चाहिए, क्योंकि वो लोग आएंगे पता है जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएंगे तब देखने के लिए आएंगे। अभी मैं यहाँ से पूछता हूँ अंदर जाने का रास्ता कहाँ से होगा, अंदर वीडियो बनाना परमिशन होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए घुस जाते हैं। आ तो गए अंदर, यहाँ पर देखिए एक बिल्डिंग बन रहा है, वैसी सेम रोड बन रहा है। और मेरे को जो मैंने जो ग्राफिक्स में मैंने जो प्रोजेक्ट पढ़ा है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है कंटेनर को, इनसे पूछूँ, एक इंजीनियर से बात करने से अच्छा होता है, काम चल रहा है। चलिए मैं आपको, एरिया ये काफ़ी बड़ा है इसका, ये जो इस तरफ पेपर मेल है, ठीक है। और हमारा गोप्रो का चार्ज देने का कोई है कुछ? पावर बैंक नहीं लाया? मैं काफ़ी दिनों से आने वाला था। और ये जो मतलब चीज़ें बनाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक गोडाउन वगैरह होगा जहाँ पर जो कंटेनर को रखा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक को थोड़ा तेज़ चलाता हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह से होगा। मतलब रास्ता भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इस तरफ भी काम चल रहा है, मिट्टी फिलिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी बहुत ठोस है। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ घुमा लेता हूँ, मज़ा आ रहा है ना एफजूर?
मतलब ऐसे कौन फोन कर रहा है अभी DTDC। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना मस्त है एकदम, पूरा जो यहाँ पर कंटेनर ही कंटेनर रहेंगे, अलग अलग कंपनी के यहाँ पर कंटेनर रहेंगे। हाँ हाँ, अलग अलग कंपनी का यहाँ पर कंटेनर रहेंगे। और काम भी देखो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई काम कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो इस तरफ से चलते हैं। चलो वो देखो उधर भी काम चल रहा है। मुझे कोई ऐसा काम फिलहाल स्टॉप है, मेरे को लग रहा है कि फ़िलहाल काम स्टॉप है। कोई अगर इंजीनियर वगैरह मिलते मुझे तो उनसे मुझे बात करने में आसानी होती, लेकिन कोई ऐसा। अरे भाई हेलीपैड बना रखा है देखा तूने। चलो हेलीपैड पे पहले चलते हैं। यहाँ पर हेलीपैड भी बना रखा है। अभी जब मैं पार्क के अंदर घूम रहा था, पार्क अभी रेडी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हेलीपैड देखने को मिला। लेकिन लोगों ने, यहाँ का जो वर्कर लोग है, ये लोग दारू पी के मतलब हेलीपैड का हालत ख़राब कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं इस तरह बाइक घुमा रहा था, आप लोगों ने देखा तो ये देखिए हेलीपैड है ये, ठीक है। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे घर से 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर इतना बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमारा कैमरा का भी चार्ज कम है, लेकिन देखते हैं कितना दूर तक हम वीडियो शूट कर पाते हैं। किसने फ़ोन किया? तो यहाँ हाँ, उसको वो फ़ोन रिसीव करके बोल बाइक चला रहा है। अभी देखो कितना मतलब मस्त, यहाँ से रास्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन काम बहुत। मैंने सोचा था कि काम बंद है फिलहाल, लेकिन काम चल रहा है। ये देखो जो क्रेन वगैरह है वो अपना अपना काम कर रहा है। मिट्टी को देखो क्रेन कैसे घूम रहा है भाई, देखो कितना मस्त लग रहा है एकदम। जूम ज़्यादा किया तो फट भी सकता है। यहाँ पे एक रोड है जहाँ से हम निकल सकते हैं इधर, और यहाँ पर ये पेपर मिल है, और आज हमने आपको बहुत दिखा दिया। तो अभी जो है हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपने घर के तरफ, क्योंकि बहुत दिखा दिया और काम भी उतना नहीं हुआ। अभी सिर्फ ग्राउंड पे काम चल रहा है, फ्लोर उतना मतलब नहीं हो रहा है, सिर्फ मिट्टी को और ठोस किया जा रहा है। अभी मेरे सामने कोई ऐसा इंजीनियर वगैरह ऑफिसर वगैरह नहीं पड़ा है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा मैं अभी बता भी नहीं सकता आपको। तो यहाँ से अभी हम निकल चलते हैं अपने घर के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए, ऐसा और भी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग भारत माता।